supersonic. What's up? This is Archit and you're watching Aesthetically, the channel that adds banter to fitness. मैंने YouTube पर ही अभी थोड़े दिन पहले एक पोल डाला था जिसके अंदर सबसे बेस्ट टाइम स्केड्यूल डिसाइड करना था आप लोगों को, एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने डिसाइड किया कि उनको मंडे एंड थर्सडे दोनों दिन 8 बजे रात को वीडियो चाहिए. दैट इज वॉट वी आर डूइंग नाउ. जब मंडे 8 बजे वीडियो आएगी और उसके साथ साथ अब थर्सडे भी 8 बजे आएगी वीडियो, नॉट 5 o'clock बट 8 o'clock. एंड लाइक आई प्रोमिस यू कि अब मैं अपनी वर्कआउट सीरीज कंप्लीट करूंगा, मैं आपको पूरा अपना वर्कआउट स्केड्यूल बताऊंगा डे वाइज कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, क्यों करता हूँ. ऐसा वर्कआउट स्प्लिट और ऐसी वर्कआउट नॉलेज भी शायद आपको कभी किसी ने नहीं दी होगी. आई कैन गारंटी यू दिस. लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मुझसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे थे वर्कआउट के रिलेटेड जो मैं आंसर नहीं कर पाया था, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट. बिकॉज रादर देन रिप्लाइंग टू मल्टीपल कमेंट्स, मैं आपको सीधा इस वीडियो के थ्रू ही सब कुछ समझा सकता हूँ. तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मैं थर्सडे को चेस्ट करता हूँ एंड देन फ्राइडे को शोल्डर्स एंड सैटरडे को आर्म्स. तो काफी लोगों ने मुझे कहा था कि जब मैं थर्सडे को चेस्ट कर लेता हूं तो फ्राइडे को एंड सैटरडे को मेरा वर्कआउट इफेक्ट होगा, बिकॉज शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स जो है वो सेकेंडरी मसल्स है. एंड यस गाइस, यू आर राइट बट यू आर ऑल्सो रॉन्ग. मैं ऐसा रूटीन काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी फॉलो करने लगा हूँ. एंड मेन रीजन इज दिस कि जब मैं चेस्ट करता हूँ अपनी थर्सडे को तो मैं सिर्फ अपने इंक्लाइन पोर्शन पर फॉलो करता हूँ, जिसकी वजह से मेन फोकस मेरा इंक्लाइन पर ही रहता है, वो शोल्डर पर ज़्यादा नहीं आता है. एंड दैट्स वाई फ्राइडे को मेरी शोल्डर कोई सोर नहीं होती है एंड मैं उसको अच्छे से ट्रेन कर पाता हूँ. एंड सेम गोज फॉर ट्राइसेप, बिकॉज ट्राइसेप के लिए आपको एल्बो एक्सटेंशन चाहिए. तो शोल्डर की कुछ मूवमेंट्स होती हैं जिसके अंदर एल्बो एक्सटेंशन होती है, जैसे कि जब आप मिलिट्री प्रेस करते हो या फिर आप कोई भी टाइप की प्रेसिंग मूवमेंट करते हो शोल्डर में, तो आपकी एल्बोज जो होती हैं वो एक्सटेंड होती हैं, तो वो ट्राइसेप के ऊपर भी आता है. बट मैं अपना वर्कआउट कुछ इस हिसाब से करता हूँ कि मेरे ट्राइसेप के ऊपर कम से कम इफेक्ट आए. एंड डोंट वरी गाइज, इसके बारे में मैं और एलैबोरेटली और अच्छे से बात करूंगा थर्सडे एंड फ्राइडे को जब मैं चेस्ट एंड शोल्डर्स करता हूँ ट्रेन. नाउ गाइस, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ जो काफी लोगों को नहीं पता होती है. आप लोगों को पता था कि मैंने जिम छोड़ दिया है एंड अभी मुझे 1 महीना हो गया रेगुलर करते हुए. मेरा वेट जो था वो 10 से 12 kg गिर गया था. तो वेट गिरने के साथ साथ ऑब्वियसली मेरा मसल मास गिरा, मेरी बॉडी फैट भी गिरा, प्लस मेरा बॉडी में से वाटर भी गिरा, मेरी बॉडी में से पंप भी गया, मेरी बॉडी के अंदर से स्ट्रेंथ भी गई. जो मसल मास है, जो पंप है, इसको तो मैं अपनी डाइट से वापस जल्दी से फिल कर लूंगा. अब ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है मुझे ट्रेन करते हुए एंड मैंने अपना वेट वापस गेन कर लिया है. 6-7 kgs मैंने वापस गेन कर लिया है. मैं आपको एक अपडेट वीडियो भी बहुत जल्दी दूंगा. 6 kgs गेन करने के बाद मेरा मसल मास भी बिल्ड हुआ है एंड मेरा पंप भी वापस आ गया है. बट एक चीज जो अभी तक वापस नहीं आई है वो है स्ट्रेंथ. बिकॉज गाइज, स्ट्रेंथ जो है वो ओवर टाइम प्रैक्टिस के साथ डेवलप होती है. आपको डेली एक डिसिप्लिन्ड रूटीन फॉलो करना होगा, तभी आप अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड कर पाएंगे. तो मेरी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी हर एक टाइप की मूवमेंट के अंदर, स्पेशली कंपाउंड लिफ्ट जैसे कि स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट एंड बेंच प्रेस. नाउ मैं आपके सामने एक बहुत ही बड़ी चीज़ आज बताने वाला हूँ गाइज, जो मैंने कभी भी नहीं बता रखी है, शायद किसी को भी नहीं बता रखी. एंड वो ये है कि मैं स्टार्टिंग टाइम में कभी भी बेंच प्रेस नहीं करता था. आपको मैं बता रहा हूँ गाइज, मुझे बेंच प्रेस करना पसंद ही नहीं था. बारबेल बेंच प्रेस, मैं हमेशा डंबल मारता रहता था क्योंकि मैंने सुना था उस टाइम पे बॉडी बिल्डर बनना था. ठीक है, तो बॉडी बिल्डर वाले शौक थे. अब मैंने सुना था कि बॉडी बिल्डर साले डंबल मारते हैं, वो बारबेल नहीं मारेंगे ज्यादा, क्योंकि बारबेल से इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं. लाइक आप ये समझ लो कि मैंने पहले के 1.5 से 2 साल कभी भी बारबेल बेंच प्रेस करी ही नहीं थी. एंड इसका जो इम्पैक्ट था वो मुझे 2018 में मिला, जब मेरा साइज इतना अच्छा रखा था और तब भी मैं बिल्कुल लाइट बेंच मारता था क्योंकि मुझसे हैवी लगती ही नहीं थी. तो अब मेरा मेन गोल जो है गाइस वो ये है कि मुझे अपनी बेंच प्रेस बिल्ड करनी है. तो अगर आप भी मेरी तरह हैं एंड आप भी बारबेल की जगह डंबल करते रहते थे तो गाइस आई एम टेलिंग यू, आपको शायद सही लग रहा होगा और आप मसल भी बिल्ड कर रहे होगे, बट आपकी स्ट्रेंथ नहीं डेवलप हो रही होगी बिकॉज आप बारबेल मूवमेंट नहीं कर रहे. तो मेरी जैसी बेवकूफी मत करना गाइस एंड बारबेल बेंच प्रेस तो प्लीज जरूर करना. अब हम चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर. टुडे आई एम गोइंग टू शो यू माय चेस्ट वर्कआउट गाइस. मंडे को मैं चेस्ट मारता हूं एंड यूजुअली मैं चेस्ट नहीं करता, बट
अभी मैं चेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज चेस्ट मेरी वीक है, तो मंडे को मैं चेस्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि संडे को रिकवरी डे होता है, रेस्ट डे होता है, तो मंडे आई हैव प्लेंटी ऑफ एनर्जी, तो इसीलिए मैं अभी मंडे चेस्ट कर रहा हूँ। ऑन मंडेज व्हेन आई एम डूइंग चेस्ट, मैं बेसिकली अपने मेजर पैक के ऊपर फोकस करता हूँ, दैट इज माय मिडिल चेस्ट एंड माय लोअर चेस्ट। मैं अपर चेस्ट के ऊपर मंडे फोकस नहीं करता हूँ। आप लोगों को पता है जिम जाते ही मेरा सबसे पहला काम जो होता है, लाइक सबसे पहला वार्म अप जो होता है, वो होता है रोटेटर कफ्स का जो शोल्डर के अंदर होते हैं। आपको एक चीज बताता हूँ गाइस, आप कोई भी मूवमेंट करो, किसी भी बॉडी पार्ट की करो, आपके शोल्डर्स जो हैं वो जरूर एक्टिव होंगे बिकॉज शोल्डर्स आर द स्टेबलाइजिंग मसल्स। आप बेंच प्रेस करो, आप स्क्वाट करो, आप डेडलिफ्ट करो, कोई भी मूवमेंट करो किसी भी बॉडी पार्ट की, आपके शोल्डर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड इतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के साथ साथ दे आर मोर प्रोन टू इंजरीज, सो इनको वार्म अप करना बहुत जरूरी है। एंड फॉर दैट व्हाट आई डू इज कि गाइस मैं एक स्ट्रेचेबल बैंड लेता हूँ एंड उसके साथ मैं अपने शोल्डर को वार्म अप करता हूँ एक मोबिलिटी रूटीन के साथ। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप भी अपने शोल्डर को वार्म अप करो, नॉट ओनली ऑन चेस्ट डे, नॉट ओनली ऑन शोल्डर डे, बट एवरी अदर डे। मूविंग फॉरवर्ड विद द एक्सरसाइजेस, नाउ आई एम गोना डू बॉडी वेट पुशअप्स। गाइस बॉडी वेट पुशअप्स मैं सिर्फ इसीलिए करता हूँ ताकि मैं अपनी चेस्ट को हल्का पंप कर सकूँ, ताकि आई कैन फिल माई मसल्स विद ब्लड। एंड मैं ज्यादा रेप्स नहीं करूंगा, 12, 13, 14 बस, इससे ज्यादा नहीं। नाउ गाइस द फर्स्ट एंड द मेन एक्सरसाइज इज फ्लैट बेंच प्रेस। फ्लैट बेंच प्रेस के मैं पहले कुछ वार्म अप सेट्स करता हूँ एंड देन आफ्टर दैट मैं वर्किंग सेट्स पे जाता हूँ। मैं इसके 4 वर्किंग सेट्स करता हूँ एंड जिसके अंदर मैं अपनी रेप रेंज रखता हूँ 12 to 6। एंड फ्लैट बेंच प्रेस इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर चेस्ट गाइस, इट इज द मास बिल्डर एक्सरसाइज फॉर चेस्ट। नाउ गाइस आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रीदिंग व्हेन यू आर डूइंग बेंच प्रेस, बिकॉज ब्रीदिंग इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग्स व्हेन इट कम्स टू बेंच प्रेस। अगर आप सही से ब्रीद नहीं करोगे, आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल नहीं होगा, तो मे बी आप फेंट हो जाओ या मे बी कुछ भी हादसा हो सकता है। सो गाइज मेक श्योर कि आप ब्रीथ तो जरूर कर रहे हो, लाइक डीप ब्रेथ्स आपने सांस लेनी है और अपने अपने पेट के अंदर होल्ड करके रखनी है एंड देन व्हेन यू आर गोइंग अप तब आपने वो सारी छोड़नी। एंड लास्ट सेट में आई ट्राई टू डूइंग 4-5 रेप्स बिकॉज मैंने ये वेट नहीं ट्राई किया था थोड़ा टाइम तक, बट मैं सिर्फ 4 रेप कर पाया जिसमें 4th रेप वॉज कॉम्प्रोमाइज, थोड़ी सी हेल्प आई, बट इट्स ओके गाइज, आई नो दिस इज ऑल राइट एंड ये होता है एंड ये चलता है एंड इससे डीमोटिवेट मैं तो कभी भी नहीं होता। सो फॉर द सेकेंड एक्सरसाइज आई एम गोना फोकस ऑन माई लोअर चेस्ट एंड फॉर दैट आई एम गोना डू केबल प्रेसेस। नाउ गाइस केबल प्रेसेस मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं हमेशा केबल प्रेसेस नहीं करता, कभी कभार मैं डिक्लाइन बेंच के ऊपर डंबल प्रेस करता हूँ, कभी कभार मैं डिप्स कर लेता हूँ, कोई ऐसी एक्सरसाइज जो लोअर चेस्ट के ऊपर फोकस करे, बट टुडे आई एम गोना डू केबल प्रेसेस। एंड केबल प्रेसेस से करने का एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि केबल्स के साथ यू आर नेवर इन अ रिलैक्स पोजिशन, जब आप आगे होते हैं तब भी आप कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं एंड जब आप पूरा पीछे होते हैं तब भी आपकी चेस्ट मसल जो है वो पूरी एक्टिव रहती है। So this is one of the best exercises guys and I would definitely recommend you कि अगर आप भी decline dumbbell press या decline bench press कर रहे हो तो एक बार ही decline cable press करो, you would definitely feel the burn। And cable presses के I'm gonna do 3 sets of 10 to 12 reps but 10 to 12 slow rep। And now guys the third exercise is butterflies। एंड बटरफ्लाइज गाइज एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है व्हेन इट कम्स टू द फ्लाई मूवमेंट। मैं हमेशा बटरफ्लाई मशीन यूज नहीं करता हूँ, कभी कभार मैं फ्लैट बेंच के ऊपर डंबल से भी फ्लाई कर लेता हूँ। यू कैन ऑब्वियसली चेंज द वेरिएशंस गाइज, दोनों सेम एक्सरसाइज है, जस्ट द डिफरेंस इज कि वो मशीन पे है एंड दैट इज फ्री वेट्स। एंड फ्लाइज के गाइज आई एम गोना डू 3 सेट्स ऑफ 14 to 15 रेप्स एंड आई एम रियली गोना स्क्वीज, पूरा आगे लेकर जाना है, पूरा स्क्वीज करना है एंड दिस इज रियली गोना हेल्प यू इन शेपिंग अप योर चेस्ट। एंड इसके साथ साथ मैं सुपर सेट करूंगा प्लेट प्रेस को। एंड यू नो व्हाट गाइस, प्लेट प्रेस मेजॉरिटी ऑफ लोग गलत करते हैं एंड दो गलतियां सबसे बड़ी उसकी यही होती हैं, एक तो बहुत तेज तेज करना एंड दूसरी गलती उसको नॉर्मली लाइटली पकड़ना। ये दोनों बहुत बड़ी गलती है गाइस। फर्स्ट इसकी आपने उसको बहुत ही स्लो करना है एंड थोड़ा सा ऊपर लेकर जाना है,
एंड सेकेंड इज कि आपने अपने दोनों हाथों को अंदर प्रेस करना है एज टाइट एज यू कैन. इससे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप अपनी चेस्ट को पूरा स्क्वीज कर रहे हो एंड दैट इज गोना गिव यू एन इनसेन पंप. एंड सो गाइज, मैं बस ये तीन ही एक्सरसाइज करता हूँ मंडे को फॉर चेस्ट, बिकॉज मैं थर्सडे को फिर से चेस्ट करता हूँ. तो मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है, तो मैंने अपने वर्कआउट की वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर दी है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. एंड अगर आपको ये वर्कआउट सीरीज पसंद आ रही है सो डेफिनेटली गाइज नीचे एक लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड ऑल्सो गाइज देखो यार, अब एस्थेटिकली फैमिली का पार्ट बन जाओ, एक सब्सक्राइब का बटन है नीचे रेड कलर का उसको दबा दो, इट्स एब्सोल्युटली फ्री एंड उसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मुझसे आपको फ्री एडवाइसेस मिलेंगी. सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब. एंड नाउ गाइज इधर प्रेस करो पिछली वीडियो देखने के लिए एंड इधर प्रेस करो हमारी वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस देखने के लिए. एंड नाउ आई एम गोना कैच यू नेक्स्ट थर्सडे एट 8 PM.